डाइस बेस वाली जो इंक होती है उसकी कॉपी कॉस्ट कम आ जाती है, इंक की कॉस्ट भी कम है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कई सारे जेरोक्स मशीन प्रिंटर का रिव्यू किया है। ये जो भी जेरोक्स मशीन और प्रिंटर जो होते हैं वो शाही से चलते हैं। शाही दो टाइप्स की आ जाती है, पहली जो है वो टोनर बेस वाली और दूसरी जो है वो इंकजेट वाली। टोनर बेस मतलब पाउडर होता है, इंकजेट मतलब वाटर होता है। अब दोस्तों, आज टोनर की बात करने नहीं वाले हैं, आज इंकजेट के बारे में बात करने वाले हैं, आज इंक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, थ्री टाइप्स की इंक आ जाती है। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होती है वो डाई बेस वाली, दूसरी सब्लिमेशन वाली और दूसरी पिगमेंट वाली। ये तीनों के बारे में आज बात करने वाले होंगे। कौन सी जगह पे कौन सी यूज़ होती है, किसकी प्राइस क्या होती है, किसकी प्रिंट की प्राइस क्या होती है और कौन से वर्क के लिए कौन सी यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज ये तीनों इंक के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपका कोई भी क्वेश्चन तुरंत आंसर दे देता हूँ। अब दोस्तों, इंक के बारे में बात करें तो ज़्यादातर प्रिंटर जो होता है, हम होम यूज़ के लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं, ऑफिस यूज़ के लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं, उसमें भी कलर प्रिंटर में ज़्यादातर इंक बेस वाला इंक, वाटर बेस वाला इंक आ जाता है। अब ज़्यादातर जो ब्लैक एंड वाइट मॉडल है उसमें भी इंकजेट यूज़ होने लगा है। अब आज बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो डाई इंक वाली इंक यूज़ होती है। अब डाई बेस क्या है, आपके प्रिंटर में आपको मालूम नहीं है कि कौन सी इंक यूज़ हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली डाई बेस वाली इंक होती है। डाई बेस वाली जो इंक होती है उसकी कॉपी कॉस्ट कम आ जाती है, इंक की कॉस्ट भी कम है। जो ज़्यादातर जो कॉमर्शियल या पर्सनल यूज़ या ऑफिस यूज़ में जो प्रिंटर यूज़ होता है उसमें डाई बेस वाली इंक यूज़ होती है। जो तीन बेसिक होते हैं इसकी प्राइस, जो डाई बेस वाली प्राइस होती है वो कम होती है, कॉपी कॉस्ट कम आ जाती है। ये लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं है, इसकी जो प्रिंट है वो ज़्यादातर टाइम रखेंगे तो आपको वो डल हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है वो बेस्ट आ जाती है। ये डाई बेस वाली बात होगी। अब दूसरी पिगमेंट वाली बात करते हैं तो पिगमेंट में इसकी कॉपी कॉस्ट हाई आ जाती है, इसकी इंक की प्राइस हाई होती है, लेकिन इसकी कॉपी क्वालिटी थोड़ी सी डल आ जाती है। जो हमने डाई इंक के बारे में बात की थी उससे थोड़ी सी डल आती है। और दोस्तों, इसका जो प्रिंट होता है वो लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। इसका जो प्रिंट होता है वो ज़्यादातर हम मैप, नक्शा, हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रिंट होती है इसमें ये यूज़ होता है। अब दोस्तों, ये तीसरी बात, ये सब्लिमेशन इंक, ये सब्लिमेशन इंक की भी जो पिगमेंट इंक की तरफ से प्राइस ज़्यादा होती है, इसकी कॉपी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है। ये इसकी लॉन्ग लाइफ के बारे में इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो हम कस्टमाइज प्रिंट करते हैं, मग प्रिंट करते हैं, टी शर्ट प्रिंट करते हैं, किचन प्रिंट करते हैं, जहाँ पे हमने एक बार पेपर पे प्रिंट कर लिया, प्रिंटर से एक बार पेपर पे प्रिंट कर लिया, उसको हीटिंग के जरिए दूसरे कोई भी चीज़ में चिपकाना होता है, तब ये सब्लिमेशन इंक यूज़ होता है। सब्लिमेशन इंक दोस्तों, सबसे पहले हम जो डाई बेस वाले इंक की बात करते हैं वो डाई बेस वाटर टाइप की होती है, और सब्लिमेशन इंक थोड़ा सा घट होता है, मतलब वो वाटर बेस इंक होती है लेकिन थोड़े से घट हो जाती है, और जैसे ही सब्लिमेशन भी थोड़ी सी घट आ जाती है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हो तो आपको मालूम हो गया होगा कि कैसे है। हमारा जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसमें डाई बेस इंक आ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार्ट भी दे दिया है, आप उससे भी समझ में आ गया होगा कि तीन डिफरेंट तरह की इंक होती है और आपके वर्क के हिसाब से कौन सी इंक यूज़ होती है। अब दोस्तों, आज ये इंक के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आज ये इंक के बारे में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली के वीडियो में। अगर ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं कई अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।